गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के प्रोटोजोआ के नोट्स। गाइस जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 4 मंथ से कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं किया है मैंने, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोटोजोआ जो कि जूलॉजी फर्स्ट पेपर का है एंड बीएससी फर्स्ट ईयर से है। प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स को देखेंगे। गाइस प्रोटोजोआ का फर्स्ट कैरेक्टर रहता है कि इस संघ के जो जीव होते हैं वो अति सूक्ष्म और अकोशिकीय होते हैं। सेकंड गति यानी जो मूव करते हैं वो कूटपात या फिर काशाप द्वारा करते हैं, फ्लैजलम द्वारा करते हैं। इन थर्ड इस संघ के जंतु नंगी आंखों से नहीं देख सकते हम लोग, अर्थात सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम इन्हें देख सकते हैं। फोर्थ रहेगा शरीर संगठन और जीव द्रव्य स्तर का होता है। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट रखने वाली हूँ मैं, इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का ही वीडियो डालूंगी क्योंकि आज मेरा 4 मंथ बाद फर्स्ट वीडियो आया है। देखती हूँ आप लोगों को कितना याद रह गई हूँ मैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा पोषण। प्रणिशम पादपशम मृतोपजीवी अथवा परजीवी होता है। एंड सिक्स ये जंतु अलवणीय पानी व समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। सेवन इसके शरीर के अंदर ही सभी जैविक क्रियाएँ संपन्न होती हैं। एंड एट प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इसमें लैंगिक प्रजनन कॉन्जुगेशन विधि द्वारा होता है। एंड हाँ इस जो प्रोटोजोआ है इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहता है। एंड क्लासिफिकेशन को वीडियो में समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एक बड़े से पेपर पर लेना पड़ता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। फिलहाल मैं इसके बाद पैरामीशियम का वीडियो देने वाली हूँ। उसके बाद हमारा 10th पॉइंट रहता है अलैंगिक प्रजनन प्रायः द्विखंडन द्वारा होता है या फिर बहुखंडन या सिस्ट द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इस संघ के कुछ प्राणी जो होते हैं वो हमें रोगी बना देते हैं या फिर रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो गाइस मेरा मोटिव रहता है ओनली नोट्स प्रोवाइड कराना, ठीक है। मैं कोई समझाने नहीं बैठी हूँ आपको, केवल नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो आई होप आपको नोट्स की राइटिंग ज़रूर ख़राब है समझ आए होंगे। और नोट्स लेने के लिए मेरी इंस्टा आईडी है rstudyadda10, वहाँ जाकर इसका PDF आप मुझसे ले सकते हैं अगर आपने नोट्स प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।